अपने टैटू क्यों नहीं करा, मैं ये सोच रहा था बुढ़ापे में बेकार लगेगा। क्या फटाफट बेटा तन पठाना, अंदर जाना मन है। हाय राधे राधे, आज है 7 सितंबर जन्माष्टमी का दिन। आज का दिन थोड़ा सा बिजी होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आज के दिन में करने के लिए। आज थोड़ा सा हेक्टिक ही रहेगा। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं मॉर्निंग में हूँ अपने घर पे। घर पे क्या, अपने वर्क स्पेस में, यहाँ पे थोड़ा सा काम था, वो काम फिनिश करना है। आज अभी जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, शाहरुख खान की मूवी रिलीज़ हुई है जवान। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, अभी सुबह 7:30 बजे का शो है, तो अभी जाके पहले मूवी देखेंगे, फिर बताते हैं आपको कि मूवी कैसी है। वो बोलते हैं ना कि हम जो करते का ना ये है कि सब लोग कहते हैं उसे ये बोल बोल के पसंद था, आप भी पसंद था, आप भी मिले सबसे। लेकिन मैं ना उसका पहले वाला ब्लॉग उसके जाके देखा था, उसने 4 या 5 साल पहले शुरू किया है। 75 डेज तो हो गया ना कि चैलेंज मिल गया, भाई सुबह 7:45 का शो है। ये हमारे आयुष भैया भी यही है, जवान देखने आए। पूरे नेहरू प्लेस को बना दिया है भैया, बस ये भैया लेट लतीफ हर जगह लेट ही आते हैं। मूवी टाइम पे पहुंच गए भाई। कैसी थी मूवी? मूवी बहुत बढ़िया थी भाई, बढ़िया थी, एक मजा आ गया। अभी हमने जवान मूवी देखी है जो काफी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा। हां मूवी देख के आ गए अभी अंदर से, अच्छी है। अब मूवी खत्म हो गई, अब यहां से जा रहे हैं कहीं और, शाम को शायद जन्माष्टमी के लिए रहे। हमने मूवी देखी है जवान जो काफी अच्छी लगी मुझे, काफी इंटरेस्टिंग। कैसा है फीडबैक? बढ़िया बढ़िया, मजा आया। अभी जा रहे हैं, स्पॉइलर नहीं देना है। नहीं कुछ नहीं बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरे को एक डायलॉग पता है खाली। नहीं तो अंदर अंदर जाके ही मजा आएगा। मैंने फट बेटा तन पठाना से कंपेयर करेंगे तो शाहरुख खान के वैसे भी जितने भी फिल्में होती है ना, वो नई स्टोरी लेके आ, फिल्म अच्छी है। फिल्म अच्छी है पठान से पठान से अच्छी बोलेंगे कि वो स्पाई थ्रिलर है या कुछ नया ही है। ये शौक होते रहोगे आप बीच बीच में। तो मूवी अभी खत्म हो गई है, अब यहाँ से जा रहे हैं, आयुष भैया भी थे। जवान लगी हुई है, 7:40 की शो था और अभी 10:40 हो रहा है, शो खत्म हो गया, तो अब यहाँ से घर निकलते हैं। लोगों के रिएक्शन भी अच्छे हैं, डांस वांस कर रहे थे अंदर, बढ़िया एकदम नाच वाच रहे थे। वो भी शूट किया है, वो भी डाल देंगे व्लॉग में, कोई बात नहीं। चले गुरु सुजीत जी आए थे, अब जा रहे हैं ये वापस यहाँ से ड्यूटी, मजदूर आदमी है। हाय अभी मूवी देख के आ गए। मूवी का अगर शॉर्ट में रिव्यू बताऊँ तो मूवी अच्छी थी। थिएटर में लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं जाके लोग। मॉर्निंग शो में भी हाउसफुल था, कुछ नया ट्राई किया है, कुछ नया है, मजा आया। लोगों का रिएक्शन देख के मजा आया, लोगों को फिल्में पसंद आ रही है। एंड मूवी का फुल रिव्यू हमारे फिल्में फितूर यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, वो देख लीजिएगा। अभी मैं शूट कर रहा हूँ मूवी रिव्यू का, एडिट वेडिट करते हैं। तो अभी मैं अपना काम यहाँ पे खत्म करता हूँ, समेटता हूँ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में अपना काम निपटाने के बाद।
तो मूवी रिव्यू खत्म करने के बाद आज हमें जाना है यहाँ से फरीदाबाद में ओमेक्स मॉल वर्ल्ड स्ट्रीट वहाँ जा। जा रहे थे ओमेक्स सिटी, ओमेक्स मॉल फरीदाबाद। रास्ते में मिल गए हमारे दीपक भैया अचानक में, कोई प्लान नहीं था, अचानक में मिल गए। अब यहाँ से बाद उसके बाद आ रहे हैं आकाश जी, जो सबसे ज़्यादा लेट रहती है जाने का, बंदा थोड़ा जल्दी जाए ताकि दिन में भी वहाँ पे शूट कर लें। कहाँ हमारे साथ के बंदे कहाँ टाइम पे आने वाले हैं सर, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है। आज ये जो भी डेस्टिनेशन हो रहा है यहाँ पर हम लोगों का मिलना, ये सब एक ऊपर वाले ने आज सब सोच रखा था। जो जो आज मैंने दिमाग में सोचा वही मेरे साथ हुआ, एग्जैक्टली उसी टाइम पे हुआ। कोइंसिडेंस था, ऐसे यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे थे, मिल गए। भाई आयुष भैया कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो अभी बता। हेलो गाइस, गाइस यू भाई की सर्विस बहुत तगड़ी है। लेट लतीफ, अभी हम हैं वर्ल्ड स्ट्रीट फरीदाबाद में। गाइस हमें डब्लू मिल गया है, डब्लू मिल गया हमें। ये इसका मेन एंट्रेंस है, अगर आप आएंगे तो ये मेन एंट्री यहाँ से होगी। आगे कौन सी दुकानें हैं वो बाद में बता चलेंगे। हमने टैटू क्यों ले रहा है? मैं ये सोच रहा था बुढ़ापे में बेकार लगेगा। नेशन ऑलवेज फर्स्ट। वो देखो मिनी बस चल रही है, उस पर जो डबल डेकर उस पर लगा इंग्लैंड का झंडा, वो इंग्लैंड वाले हैं, उस पर भी बैठेंगे कोई नहीं, चलेंगे बिल्कुल। चले जो कौन सी स्ट्रीट है? ये कौन सी है? एम्स्टर्डम है, हांगकॉन्ग है। चाय पानी पहले हो गया, अब पहले पियेंगे तुलसी अदरक चाय और पकौड़े। दुकान में घुसते के साथ, मार्केट में घुसते के साथ सबसे पहले यही कर लिया हमने। दुकान पे आके चाय पकौड़े चल गए, ये मिक्स पकौड़े और ये तुलसी अदरक की चाय। चाय अड्डा, यहाँ पे सारी वैरायटीज की चाय मिल जाएंगी, चाय पियो पकौड़े खाओ। वो वैरायटी नहीं मिलेगी जो आपने इनसे मांगी होगी। हाँ, उसके हमने 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 बोला था इनको कि हमें अदरक तुलसी दे दो, इन्होंने अदरक तुलसी के अलावा सारी कुछ दे दिया, उसमें क्या मिलाया था पता नहीं। वर्ल्ड स्ट्रीट आए थे, अभी तक तो कुछ वर्ल्ड स्ट्रीट जैसा दिखा नहीं है, बाकी अभी और अंदर जा रहे हैं फिर देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। आयुष भाई क्या उम्मीद है? उम्मीद मेरे को कुछ खास नहीं है यहाँ स्ट्रीट नाम से, कुछ वैसा वर्ल्ड का इंडिकेशन तो दिख नहीं रहा है। सीपी लग रहा है ये? हाँ दूसरा सीपी लग रहा है। अरे ये कहाँ बैठा गई, इतना छोटा झूला तो है भी नहीं जितना ये शोर मचा रहे हैं। नहीं वर्ल्ड स्ट्रीट क्या करिए, जलाने नहीं देगा हमें वो। एक्सपीरियंस कुछ खास रहा नहीं है, पर ये सब यहाँ ले सकते हैं हम, मगर करेंगे क्या यहाँ पर? यही चूक गए ना बस, वरना सोच रहे थे। गाड़ी वाला गाड़ी चलाएगी इसके अंदर? गेम, गेमिंग है। अभी देखते हैं उधर से, पहले घूम लेते हैं फिर। आओ, वर्ल्ड स्ट्रीट जैसा लग तो रहा है लेकिन कौन सी वर्ल्ड स्ट्रीट है ये पता नहीं चल रही, लिखा नहीं है कहीं। अगर ये बन जाएगा ना तो मतलब यार बंदे रहने लगेंगे। हाँ तब क्या सकते हैं यार, क्राउड बढ़ सकता है भाई। अभी कम दिख रहा तुम्हें वो क्राउड, कैसा होगा दवा खाना खाने आएंगे तो घूमने चले आएंगे। ये ज्यादा तो श्याम नगर की गलियों में रहता है साला, हमारी वो लीक कर दे हमका, हमारी गलती है। नहीं मेरी गलती है। अब शांत होके चलो, नो डाउट कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है यहाँ, लेकिन यस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का जो है वो बहुत बढ़िया खतरनाक बनाया हुआ है, लेकिन सिमिलर सीपी से। सीपी बन जाएगा अगर ये बनाना चाहे तो। ये पूरा भाई बन ही रहा है, लेकिन बात यह है तो हम जल्दी आ गए क्या? और ये वर्ल्ड स्ट्रीट के नाम तो काटा क्यों है? नहीं गुरु कुछ तो है जो हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, कहीं कृपा रुकी हुई है हमारी। छोटा है बस थोड़ा सा। अभी हम हैं फ्रेंड्स में, अभी हमारे साथ सामने है आईफिल टावर, इसकी लाइटें थोड़ी जगमग जगमग कम कर रही हैं और हाइट थोड़ी सी छोटी है, किसको क्या ही पता चलेगा। क्या वो तो थोड़ी खिंचवा रहे हैं। मिल तो गया, अब वो पुल वो बूथ ढूंढना है पीसीओ वाला लंदन स्ट्रीट पे। इसको बनाया फॉरेन के उस पर, लेकिन अभी ये शायद बन रहा है तो ज़्यादा यहाँ पे है नहीं एक्सप्लोर करने के लिए। अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है ये वाली बिल्डिंग और इसके पीछे का एरिया, देखते हैं जब तक ये रेडी होगा 2025-30 तक, अब तक ये तैयार होता है। ये सिर्फ कुछ दुकानें हैं, अभी वीआईपी एरिया जैसा कुछ तो है। आने वाले वक्त में हाँ इसका दर्जा सीपी से शायद ऊपर हो जाए, लेकिन अभी तो कुछ इतना खास नहीं है, एंड स्टोर्स एंड पब के अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे खास। यहाँ पे फॉरेनर जो इंडियन ब्रांड है वो, जो बाहर के ब्रांड है वो दुकानें मिल जाएंगे मिक्सअप करके, सारे आउटलेट्स मिल जाएंगे यहाँ एप्रोक्स तो सारे मिल जाएंगे। लंदन का फेमस ये पुल, वो पुल
पुलिस बूथ बोल रहा था। टेलीफोन बूथ जहाँ अंदर जाना मन है, टेलीफोन लगा तो है लेकिन कब का ये नहीं पता। अंदर ये मरम्मत तो कर देते, इतनी भीड़ तो यहाँ हो रही है। इसके अलावा ये मोती महल यहाँ पे कोई नहीं है, उधर ये सफरी इन्फ्लुएंसर्स ने यहाँ से ये बना दिया वर्ल्ड स्ट्रीट। वर्ल्ड स्ट्रीट मैंने जितनी वीडियो देखी थी ना भाई, सब में बोला बहुत अच्छी जगह है, क्या जगह है मैम यार, अच्छी जगह होगी। पीपी फेवरेट है तो इस हिसाब से तो ये तो जन्नत है उनके लिए तो पता नहीं है क्या। नो डाउट आने वाले टाइम में बढ़िया होगा लेकिन अभी तो ऐसे ही है बस। वन फॉर ऑल आ सकते क्या भैया यहाँ पे? सारे जो है 3D शोज हैं, इनका जो किराया है, उनका जो किराया है वो ये है, आते हैं तो, और टाइमिंग देख लेना। बाकी जगह तो बढ़िया है, यहाँ पे गेमिंग खेलने का एक्सपीरियंस बढ़िया होगा। यहाँ पे भैया ने हमें इतनी सारी राइड दिखाई है तो हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम 360 रोलर कोस्टर पे जाएंगे, जो कि वो है सामने, उसमें विजुअल्स होंगे एंड ये 360 रोटेट होगी ये मशीन। मैं आकाश भाई ने ले लिया पोजीशन और हम जाएंगे, मैं और शुभम भैया जाएंगे इसमें, देखते हैं आगे। मजा आ रहा है भाई, तुम्हारा ढीला हो रहा है बेल्ट काम भाई। पकौड़े बाहर ना जाए। ये रोलर कोस्टर यहाँ पे होती है नॉर्मल वाली, ये पे कार रेसिंग है, ये 360 रोलर कोस्टर है, ये अपने गेमिंग के लिए। एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए थोड़ा कॉस्टली है। ओमेक स्मॉल गए थे वहाँ से भी आ गए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ट्रैवल सीरीज में या कहीं और। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। चलो राधे राधे।